नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज के प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के मंडला से। मंडला में फैली कोरोना वायरस की अफवाह। कोरोना वायरस होने की अफवाह सोशल मीडिया पर चलने के बाद शहर के लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया था। वर्तमान में मंडला जिले में अभी तक कोई भी पॉजिटिव मरीज और जो सस्पेक्टेड मरीज मिला है उन्हें इंसुलेटेड कर सैंपल लेकर जांच में पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर अगर कोई भी गलत जानकारी आती है तो उसे फॉरवर्ड ना करें, नहीं तो आपके ऊपर गलत अफवाह फैलाने के जुर्म में मामला दर्ज हो सकता है। मंडला से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए राज कौशिक की रिपोर्ट। देखिए अभी क्या हमारे जो टीम है रेगुलरली वर्क कर रही है और हमारे पास में जो हमारा नंबर गया हुआ आएगा तो उसमें कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे वहाँ पे ऐसा संदिग्ध मिला है, केस कहीं वो मिला है। तो क्या है कि टीम हमारी रेगुलरली मूव कर रही है और अभी तक हमारे पास कोई ऐसा संदिग्ध मरीज नहीं मिला जो कि गंभीर रूप से पीड़ित हो और कोरोना वायरस का लक्षण हो जिसमें। तो ये पूरी अभी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और जो हमारे जो विदेशी जो नागरिक हैं, जो हमारे यहाँ के जो मंडला के रहवासी जो विदेश गए हुए थे उनको हमने पहले से आइसोलेट कर दिया है। तो वे पूरे आइसोलेट हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य टीम लगी हुई है यानी 24/7 वो वर्क कर रही है और जिसे ही कोई मिलता है, अगर हमें संदिग्ध कोई मिलते हैं कि उसकी कोई हिस्ट्री है ऐसी कि विदेश गया हो या पॉजिटिव के संपर्क में आया हो, तो तत्काल हम उसकी सैंपलिंग भी कराएंगे और उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो लोगों से हमारी यही थोड़ी सी अपील रहेगी कि अनावश्यक जो अफवाहें फैला रहे हैं तो उसे थोड़ा सा रोकें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्स है मेडिकल टीम का, तो ज़रूरतमंदों को उसकी मदद मिल जाए, ऐसा ना हो कि र्यूमर्स के पीछे हम भागते रहें और हमारा एक्चुअल जो केस है वो छूट जाए। तो वही लोगों से अपील है कि थोड़ी सी अफवाहों के ऊपर ध्यान ना दें और सोशल मीडिया पे अफवाहों को ना फैलाएं। बाकी अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव मंडला जिले में अभी नहीं आया है और यदि कोई अगर ऐसा आता है गंभीर तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे।